को क्या करना है इस चैप्टर में, ओवरहेड में. सबसे पहले लास्ट ईयर के कॉस्ट रिकॉर्ड्स देख के आप ओवरहेड्स को क्या करो, लिस्ट आउट कर लो. तो उससे तो अपने को लास्ट ईयर के एक्सपेंस मिल जाएंगे, फिर उसमें करंट ईयर का जो एस्टिमेशन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो आप एक्सपेक्ट लगा के उस पर आप निकाल सकते हो कि करंट ईयर के कौन कौन से एक्सपेंस होने वाले हैं. विजुलाइज करो, ओवरहेड का लिस्ट हमारे पास बन गया कि साहब इस साल कौन कौन से एक्सपेंस हमारे होने वाले हैं. फिर उन एक्सपेंस को आप क्या करो, सारे डिपार्टमेंट्स में चार्ज कर दो. तो जो एक्सपेंस पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है उसको सिर्फ उसी डिपार्टमेंट पे मैं क्या करूंगा, चार्ज करूंगा. उसको बोलते हैं एलोकेशन. और जो एक्सपेंस एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के बेनिफिट्स के लिए उसको बोलते हैं, उसको सारे डिपार्टमेंट में एक सूटेबल बेसिस पे क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज अपोर्शन. तो जब तुम ऐसा कर लोगे ना तो तुम्हारी ओवरहेड की सारी लिस्ट क्या होगी पता है, डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई. इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं? फिर हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, क्योंकि वहां से कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं है. अब वहां से कोई प्रोडक्शन होता नहीं है तो वहां के एक्सपेंस को तो तुम चार्ज कर नहीं पाओगे ना. इसीलिए ये कंपल्सरी है कि सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को अगर कस्टमर से रिकवर करना है ना, हाँ, तो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और जब ऐसा होगा तो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हो जाएंगे जीरो, सारे किस में चले गए. तब आपको पता चलेगा कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने ओवरहेड हमारे एस्टिमेटेड है, जिनको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवरी रेट निकाल सकते हैं. फिर हम लोग रिकवरी रेट निकालेंगे, उस रिकवरी रेट को यूज करके हम लोग प्रोडक्ट की क्या करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. थ्रू आउट द ईयर यही चलेगा, फिर लास्ट में जाके पता चलेगा कि ओवरहेड अंडर रिकवर है या ओवर रिकवर है. समझ में आया? चलो लिखते हैं टॉपिक्स टू बी डिस्कस. थोड़ा सोच समझ के लिखना क्या लिख रहे हो, मजा आएगा आपको. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. टॉपिक्स टू बी डिस्कस. फर्स्ट मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड. फर्स्ट क्या लिखा, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड. मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड. सबसे पहले पढ़ेंगे कि ओवरहेड होता क्या है और कितने तरह से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. सेकंड अपन पढ़ेंगे एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड. एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, दिस इज नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स. रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. Reapportionment of service department overhead between production department. Reapportionment of service department overhead between production department. Bracket में लिख सकते हैं, this is known as secondary distribution. क्या बोलते हैं इसको, secondary distribution. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड हो गया ना ये, फोर्थ लिखो. अब थर्ड स्टेप तक तुम्हारे पास क्या आ गया, जिसको समझ है वो बताओ मेरे को. आपके पास एस्टिमेटेड ओवरहेड हो गया, वो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अपने को चाहिए ना कि भाई कितना एक्सपेंस होगा, तो वो आ गया अपने पास. समझ गए ना? तो अब अपने पास बजटेड ओवरहेड आ गया, जिसको यूज करके तुम लोग क्या निकाल सकते हो, रिकवरी रेट निकाल सकते हो. तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट्स. कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट्स.
कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट, ठीक है। अब जब रिकवरी रेट निकल जाएगी तो उसको यूज करके तुम क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो ना। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग रिकवरी रेट्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग रिकवरी रेट्स। अब जिसको समझ में आ रहा है सोचो, थ्रू आउट द ईयर यही होगा, जब एक बार रिकवरी रेट मिल गई तो उसको यूज करके मैं प्रोडक्ट पे क्या करूंगा, चार्ज करके कॉस्ट निकाल लूंगा। अब एट द एंड ऑफ द पीरियड अपने को निकालना पड़ेगा कि टोटल रिकवर कितना हुआ। हाँ, नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिकवर ओवरहेड्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिकवर ओवरहेड्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिकवर ओवरहेड्स, अब जिसकी समझ काम कर रही है बोलो। जब आपने निकाल लिया कि टोटल कितना रिकवर ओवरहेड्स हुआ तो मैं उसको एक्चुअल से कंपेयर कर सकता हूं ना। नेक्स्ट, नहीं, कैलकुलेशन ऑफ अंडर एन ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, कैलकुलेशन ऑफ अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। अब जब अपने को पता चल गया कि इतनी अंडर ओवर रिकवरी है तो उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट आता है नेक्स्ट अपना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर रिकवरी। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। एक बार के लिए यहां पे अपना ओवरहेड क्या होता है, खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरहेड फर्स्ट। ये ओवरहेड फर्स्ट है, फिर इसी के अंदर एक कैलकुलेशन और होती है, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। क्या होती है, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो अपन उसको क्या करते हैं, ओवरहेड टू नाम दे देते हैं। तो किसी को मशीन आर रेट नहीं भी आया ना समझ में तो सिर्फ यही बोलेगी मेरे को ओवरहेड टू नहीं आता है। वरना क्या होता है, किसी को मशीन आर रेट समझ में नहीं आता है, फिर लास्ट में क्या होता है, ओवरहेड नहीं आता है। तो ओवरहेड में तो बहुत कुछ है। तो जो अभी तक अपन ने लिखा, अपन ने इसको क्या बोल दिया, ओवरहेड वन, ये ओवरहेड फर्स्ट है। और लास्ट पॉइंट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। मशीन आर रेट मतलब मशीन को वन आर चलाने पे कितना एक्सपेंस होता है, उसको मशीन की क्या बोलते हैं, आर्ली रेट बोलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओवरहेड टू, ओवरहेड सेकंड। ऐसा सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला ये ओवरहेड वन ओवरहेड टू, ये अपन ने बोला ओवरहेड सेकंड, ये ओवरहेड सेकंड है। और ये नहीं आया तो ये बोलना कि ओवरहेड सेकंड नहीं आया, हालांकि आ जाएगा, इजी है। और बाकी तुम होशियार हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हेडिंग डाल लो, इतना डिस्कस करना है बस अपने को इस चैप्टर में। हाँ बस बस छोटा सा ही है और क्या, इंटरेस्टिंग है। पर फर्स्ट मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो चीज कॉपी पे लिख रहे हो ना, कॉपी के साथ साथ दिमाग में भी जानी चाहिए वो चीज़ कि भाई क्या लिख रहे हो, तभी काम किए वो। तो ओवरहेड्स के मीनिंग तो बहुत इजी है, क्या बोलते हैं ओवरहेड क्या होता है, हाँ, सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर नोन एज ओवरहेड। लिख लो फटाफट से, आता है तुमको, सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज नोन एज ओवरहेड। और अदर लैंग्वेज में बोले तो ओवरहेड इक्वल्स टू इनडायरेक्ट मटीरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब मटेरियल यूज अदर देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अलावा कहीं भी कोई मटेरियल यूज हो रहा है तो वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है. इनडायरेक्ट लेबर समझते हो? वेजेस ऑफ वर्कर अदर देन वर्कर्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनके अलावा जो भी सैलरी वेजेस दे रहे हो वो सब क्या है? इनडायरेक्ट है. और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे एक्सपेंस जो मटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा हो रहे हैं, जैसे आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. समझ गए? नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था. फंक्शनल बेसिस पे ओवरहेड्स को वी कैन डिवाइड इन थ्री पार्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन. लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. On the basis of function, factory overhead, administrative overhead, or selling and distribution overhead. Factory overhead, administrative overhead, and selling and distribution overhead. ये classification of overhead on the basis of function. Second, on the basis of nature. On the basis of nature. On the basis of nature. Nature के base पे four. Nature के base पे first हो गया fixed overhead. Second, variable overhead. Third, सेमी वेरिएबल ओवरहेड और सेमी फिक्स ओवरहेड. ये भी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ा दिया ना. क्या होता है फिक्स ओवरहेड का नेचर? टोटल में फिक्स होता है पर यूनिट. तो इसका नाम जो है वो टोटल की वजह से है. तो कोई भी ओवरहेड अगर टोटल में फिक्स है इसका मतलब वो क्या है? फिक्स ओवरहेड. वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट फिक्स होता है और टोटल में वेरी करता है. मतलब कोई भी एक्सपेंस जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बेस पे प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं वो सब वेरिएबल है. सेमी वेरिएबल में क्या होता है? सेमी वेरिएबल जो ना तो टोटल में फिक्स है और ना पर यूनिट फिक्स है, मतलब जो ना तो फिक्स ओवरहेड है ना वेरिएबल ओवरहेड है, उसको क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल ओवरहेड. तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड में कुछ पार्ट क्या होता है? वेरिएबल होता है और कुछ पार्ट क्या होता है? फिक्स होता है. एक एग्जांपल लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ओवरहेड. Find out overhead for 10,000 units. From the following information, find out overhead for 10,000 units. मतलब 10,000 units पे overhead का amount निकालना है. Units और overhead. 2,000 unit produce करते हो तो ये overhead होता है 20,000. और 3000 पे ये ओवरहेड कितना होता है? 5000 पे ओवरहेड कितना होता है? 30,000. और आपको क्या कैलकुलेट करना है कि अगर आपने 10,000 यूनिट बनाया तो ये ओवरहेड कितना होगा वो आपको निकालना है. अच्छा ये फिक्स है या वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर ये टोटल में फिक्स है मतलब ये फिक्स है और पर यूनिट कैलकुलेट. अच्छा ये फिक्स तो नहीं है ना. देखो अब आप पर यूनिट कैलकुलेट कर लो. यहां पर यूनिट 10 है जबकि यहां पर यूनिट कितना है? 6 है. बोलो. yes,
एक मिनट, इसको कितना करोगे? 40 कर लो, पॉइंट्स में नहीं आएगा। अरे नहीं, वो तो फिर वेरिएबल हो जाएगा। 42। चलो फाइनली 2000 यूनिट्स पे कितना हो रहा है? 20,000। और 5000 यूनिट पे कितना हो रहा है? 42,000। फोर्टी वन में आ जाएगा। चलो 41 कर लो भाई, ठीक है यार, पॉइंट्स में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फाइनल है। अच्छा ये तो पता चल रहा है ना कि ये फिक्स नहीं है, ये भी पता चल रहा है कि ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? सेमी वेरिएबल है। क्या होता है सेमी वेरिएबल में पता है? कॉस्टिंग में सेमी वेरिएबल का ट्रीटमेंट नहीं होता, उसको वेरिएबल और फिक्स में क्या होता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल पर यूनिट निकालना पड़ेगा। और सोचते कैसे हम लोग, पता है आपको, तुमने 3000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई, उसकी वजह से तुम्हारा एक्सपेंस क्या हुआ? 21,000 से क्या हुआ? बढ़ गया, यही हुआ ना। थ्री थाउजेंड यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से तुम्हारा एक्सपेंस 21,000 बढ़ गया, तो एक्सपेंस तो वही बढ़ेगा ना जो वेरिएबल होगा। हाँ, इसका मतलब 21,000 एक्सपेंस बढ़ गया 3000 पे, 7 रुपी पर यूनिट क्या है? वेरिएबल। जिसने बेसिक की क्लासेस छोड़ी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी हो तो देख लेना, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी कॉस्टिंग में, अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आपको बेसिक आना चाहिए तो तुमको कॉस्टिंग आएगी, वरना हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। कितने लोगों ने नहीं देखी अभी तक इनिशियल क्लासेस? तुमने देख ली इधर? हाँ, अभी सैटरडे को जल्दी छुट्टी हुई, संडे ऑफ था, देखना था ना रिकॉर्डिंग क्लासेस को। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो 7 रुपी पर यूनिट क्या है? ये 7 रुपी पर यूनिट क्या है? वेरिएबल है। अब फिक्स कैसे निकालोगे? 20,000 के अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों क्या है? एडेड है। तो इसमें से वेरिएबल हटा दो ना, 2000 यूनिट इंटू 7, 14,000, इसका मतलब 6,000 क्या है? फिक्स है। तो आपका वेरिएबल ओवरहेड 7 पर यूनिट है और फिक्स ओवरहेड कितना है? 6,000 है। तो इस केस में अगर अपन कैलकुलेट करें कि एट 10,000 यूनिट्स आपका वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ 7 के हिसाब से कितना होने वाला है? 70,000। और फिक्स कितना है? 6,000। 76,000। तो इस केस में ये जो ओवरहेड है वो 10,000 यूनिट्स पे कितना होगा? 76,000 होगा। आया क्या? एक और एग्जांपल लिखो। प्रोडक्शन एंड ओवरहेड 3000 यूनिट्स पे 20,000 यूनिट्स पे 20,000 और 5000 यूनिट्स पे 30,000। फाइंड आउट वेरिएबल पर यूनिट एंड टोटल फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल पर यूनिट कितना रहे और टोटल 5000।
सीधा सोचने का तरीका क्या है? जो वेरिएबल है जो फिक्स है वो तो सेम ही रहेगा ना, चेंज किस में होगा? जो वेरिएबल होगा। तो यहां पे देखो 2000 यूनिट एक्स्ट्रा तुमने प्रोड्यूस किया तो तुम्हारा ओवरहेड कितना बढ़ गया? 10,000। तो इसको लेके हम लोग ले सकते हैं कि हमारा वेरिएबल पर यूनिट कितना होगा? 10,000 एक्सपेंस बढ़ गया 2000 पे। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं पता है? चेंज इन एक्सपेंस डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो चेंज इन एक्सपेंस 10,000 है डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट 2000, कितना? 5 रुपीज। और अगर आप अपन कैलकुलेट करें टोटल फिक्स ओवरहेड, तो 20,000 में से 20,000 तो क्या लिया तुमने? क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड पहले तो लिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेस में हम लोगों ने बोला एक तो फैक्ट्री, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर चार। तो ये अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट और होता है, हम लोग ओवरहेड्स को कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ ओवरहेड क्या होते हैं? कंट्रोलेबल ओवरहेड्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल होते हैं। अब क्या होता है एग्जाम में जब पूछते हैं ना कंट्रोलेबल ओवरहेड्स एंड अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स, तो क्या लिखोगे तुम? क्या होता है कंट्रोलेबल ओवरहेड्स? अब तुम नाम से जाते हो तो तुम क्या बोलते हो? ऐसे एक्सपेंस जिनको कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल ओवरहेड, और जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हमारे कंट्रोल के बाहर है वो अनकंट्रोलेबल है। ऐसा नहीं है, कंट्रोलेबल ओवरहेड्स और अनकंट्रोलेबल ओवरहेड एग्जाम में इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछेंगे ना तो बच्चा नाम के हिसाब से लिख के आ जाता है, जबकि इसका सेंस एक्चुअल में क्या है अलग है। कंट्रोलेबल ओवरहेड्स का मतलब क्या? मैं ये कभी भी पूछ लूंगा जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। मतलब कंट्रोलेबल ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 और P2, इसका डिपार्टमेंट इंचार्ज अलग है और इसका डिपार्टमेंट इंचार्ज क्या है? अलग है। तो जो एक्सपेंसेस P1 डिपार्टमेंट के हैं वो इसका इंचार्ज क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो एक्सपेंस जो है वो इस डिपार्टमेंट के लिए क्या है? कंट्रोलेबल है। जबकि वही एक्सपेंस P2 के लिए क्या है? अनकंट्रोलेबल। नहीं आया ना? P1 डिपार्टमेंट और P2 डिपार्टमेंट, ठीक है ढंग से सुनो, P1 और P2 दो डिपार्टमेंट है, इन दोनों डिपार्टमेंट के इंचार्ज सुपरवाइजर क्या है? अलग अलग है, मैनेजर अलग अलग है। तो P1 डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है वो P1 डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। तो P1 डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है ना वो इसके लिए क्या है? कंट्रोलेबल है, पर इसके लिए क्या है? अनकंट्रोलेबल है। और इसी तरह से P2 डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है ना वो इसके लिए कंट्रोलेबल है, पर वो इसके लिए क्या है? अनकंट्रोलेबल है। समझ में आया? तो जो डिपार्टमेंट का ओवरहेड जो है उस डिपार्टमेंट इंचार्ज के लिए वो ओवरहेड क्या है? कंट्रोलेबल है, पर वही दूसरे डिपार्टमेंट इंचार्ज के लिए क्या है? अनकंट्रोलेबल है। तो ये कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का डेफिनेशन होता है। समझ में आया? क्योंकि यहां का जो ओवरहेड है ना, यहां का वो यहां का डिपार्टमेंट इंचार्ज इन्फ्लुएंस कर सकता है, कम करना है, ज्यादा करना है, क्या करना है। यहां का जो ओवरहेड है ना, यहां का, वो यहां का जो डिपार्टमेंट इंचार्ज है वो क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो अपने डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है वो उस डिपार्टमेंट इंचार्ज के लिए क्या है? कंट्रोलेबल है, और वही दूसरे डिपार्टमेंट के इंचार्ज के लिए क्या है? अनकंट्रोलेबल है। तो अब नाम से पता नहीं चलता, जैसे रेंट है कि ये कंट्रोलेबल है अनकंट्रोलेबल, तो मैं क्या बोलूंगा? रेंट जो P1 डिपार्टमेंट का है वो P1 के लिए कंट्रोलेबल है, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के लिए अनकंट्रोलेबल है। अगर रेंट P2 डिपार्टमेंट का है तो P2 के लिए कंट्रोलेबल है, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के लिए क्या है? अनकंट्रोलेबल। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, प्रैक्टिकली इतना पूछते नहीं है। तो नेक्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी क्या बोलेंगे उसमें? दो हैं, एक कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स।
कंट्रोलेबल ओवरहेड्स एंड अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स, कंट्रोलेबल ओवरहेड्स एंड अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स। अब इसको एक एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओवरहेड ऑफ P1 डिपार्टमेंट, लिखो ओवरहेड और एक्सपेंस ऑफ P1 डिपार्टमेंट, ओवरहेड और एक्सपेंसेस ऑफ P1, P1 मतलब फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओवरहेड और एक्सपेंस ऑफ P1 डिपार्टमेंट इज कंट्रोलेबल फॉर P1 डिपार्टमेंट इन चार्ज, फॉर P1 डिपार्टमेंट इन चार्ज। And the same overheads are uncontrollable. And same overheads are uncontrollable for other department in charge. And same overheads are uncontrollable overhead for अदर डिपार्टमेंट इन चार्ज। ठीक है, ये तो एक ओवरहेड्स का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हम लोगों ने ओवरहेड क्या होता है वो देख लिया, ओवरहेड्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड को वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड करना, समझ गए। नेक्स्ट लिखो टॉपिक टू बी डिस्कस में सेकेंड क्या है, कंटिन्यू अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। Allocation and apportionment of overhead. Allocation and apportionment of overhead. Bracket में क्या लिख सकते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो क्या लिखोगे सबसे पहले, क्या होता है एलोकेशन, क्या होता है जब कोई एक्सपेंस पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लिए हो तो उस ओवरहेड को उस डिपार्टमेंट पे चार्ज करने को क्या बोलते हैं, एलोकेशन बोलते हैं। और अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई एक्सपेंस एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के बेनिफिट्स के लिए हो तो उनको एक सूटेबल बेसिस पे सारे डिपार्टमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज अपोर्शनमेंट। तो अलोकेशन के लिए कोई बेस नहीं चाहिए, अपोर्शनमेंट के लिए अपने को बेस चाहिए, जिसके बेस पे आपको ओवरहेड को सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लिखो फर्स्ट अलोकेशन, अलोकेशन when any expense or overhead, when any expenses or overhead is incurred, when any expenses or overhead is incurred for the benefit of any specific department, when any expenses or overhead is incurred for the benefit of any specific department, then such overhead is charged to, then such overhead is charged to that specific department, then such overhead is charged to that specific department, then such overhead is charged to that specific department. This process is known as, this process is known as allocation of overhead.